चेन्नई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। दुबई जा रहा था विमान, उड़ान से पहले निकलने लगा धुआं। किस कारण निकला धुआं? बड़ी खबर तमिलनाडु से है, जहां के चेन्नई हवाई अड्डे पर मंगलवार की रात एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल चेन्नई हवाई अड्डे से दुबई जा रहे विमान के टेक ऑफ से ठीक पहले पंख वाले हिस्से में अचानक धुआं निकलने लगा। जानकारी के मुताबिक इस फ्लाइट में कुल 320 यात्री सवार थे, लेकिन इस घटना के बाद यात्री दहशत में आ गए और एयरपोर्ट पर तनाव पसर गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, प्लेन से धुआं निकला कैसे। एमिरेट्स की फ्लाइट मंगलवार को रात 9:50 बजे दुबई के लिए उड़ान भरने वाली थी। जानकारी के मुताबिक इस फ्लाइट में 320 यात्री सवार होने का इंतजार कर रहे थे। यात्रियों के चढ़ने से पहले विमान में ईंधन भरा गया, तभी इंजन में ओवरफिलिंग के कारण अचानक से धुआं निकलने लगा। ये देख स्टाफ घबरा गया। बता दें कि हादसे की खबर मिलने के बाद एयरपोर्ट फायर स्टेशन पहुंचे फायर कर्मी धुआं बुझाने में जुटे रहे। जांच में सामने आया कि विमान से धुआं अधिक ईंधन भरने के कारण गर्मी के कारण हुआ। इसके बाद दमकल कर्मियों ने तुरंत वहां पहुंचकर आग बुझाई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना के कारण फ्लाइट में जाने वाले सभी यात्रियों को वेटिंग रूम में रखा गया। वहीं अब विमान अपनी यात्रा के लिए दोबारा उड़ान कब भरेगा, इसको लेकर भी आपको जानकारी दें तो विमान में ईंधन भरने के दौरान तो ये पूरा हादसा हुआ। धुआं निकलने के चलते आपको हादसे की खबर ये सुनाई दी। घटना से चेन्नई एयरपोर्ट पर काफ़ी हंगामा हुआ। दमकल कर्मियों ने धुआं पूरी तरह से साफ कर दिया। हालांकि क्या विमान को कोई नुकसान हुआ, क्या विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है, अधिकारी फिलहाल इस बात की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दुबई जाने वाली उड़ान में देरी होगी, क्योंकि निरीक्षण के बाद उड़ान भरनी है। आपको फिर बता दें कि चेन्नई के हवाई अड्डे से ये बड़ी खबर है, जहां मंगलवार रात को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां 300 के आसपास वो यात्रियों की संख्या थी जो इस प्लेन से दुबई के लिए सफ़र करने वाले थे, लेकिन यात्रा से ठीक पहले जब ईंधन भरा गया और उस दौरान धुआं निकलता हुआ देखा गया। दमकल कर्मियों ने इस धुएं पर काबू तो पा लिया, लेकिन यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर चीख पुकार सुनाई दी, यात्रियों के अंदर गुस्सा था, रोष था, लेकिन अभी तक विमान वापस कब उड़ान भरेगा, दोबारा ये यात्रा कब शुरू होगी, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि विमान से धुआं निकलता देखा गया, इसलिए इसके लिए अभी तमाम सुरक्षा जो जांच है उनको पूरा करना पड़ेगा। क्या विमान को कोई नुकसान पहुंचा है या फिर दूसरे विमान की ज़रूरत होगी, ये सब देखना अभी बाकी है। बहरहाल मामले पर हमारी नज़र है, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।